यहाँ देखिए क्वेश्चन है, 2x² + 5x - 12 ठीक है, का गुणनखंड विधि द्वारा x का मान निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को मतलब बनाने के लिए ना आपको यहाँ पर लिखा होगा कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें, तब भी आप इस क्वेश्चन को ऐसा ही बनाएगा। देखिए कैसे बनाएगा, ये है आपका फर्स्ट टर्म और ये है सेकेंड और ये है थर्ड, मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पद में तीसरा पद से गुणा करते हैं। यानी क्या है, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए x² है ना, तो आप क्या कीजिएगा, x में जिसे गुणा किया है उसे कीजिएगा। तो 2 और आप किस में करेंगे, 12 में करेंगे, तो 2 12 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, आपका होगा 24। ठीक है, और इस 24 का ऐसा फैक्टर करना था, मतलब ऐसा गुणनखंड करना रहता है कि जोड़ने के बाद यहाँ पर 5 आए। तो यहाँ देखिए 24 का जब फैक्टर कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा ना, 2 से करेंगे तो यहाँ पर 12 आता है, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 6 आता है, और फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। यानी कि कैसे करें कि जोड़ने पर कितना है, 5 है, तो यहाँ देखिए 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8, और 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 24 होगा। यानी हम इसको 24 को 8 × 3 लिख देंगे ना, तभी तो आपका 24 आ जाएगा ना, और इसको जोड़ने पर कितना लाना है, 5 लाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 - 3 कर देंगे तो आपको 5 आ जाएगा, और 8 में 3 से गुणा करने के बाद 24 आ जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखते हैं 2x² और प्लस ये जो 5 है ना, 5 का जब आप क्या लिखते हैं, 8 - 3 और ब्रैकेट लगा लीजिए, और x है तो x हटा दीजिए, और -12 ठीक है, उसका देखिए बराबर 0 के बराबर करेंगे तो आपका x का मान निकलेगा। यहाँ पर करके दिखाते हैं, यहाँ देखिए 2x² प्लस x है ना, x से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर 8x - 3x और ये हुआ -12 = 0। अब हम दोनों को ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में ले लेते हैं 2x² प्लस 8x और यहाँ पर माइनस है तो माइनस को बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ पर लिखें 3x, और जैसे माइनस बाहर निकलता है ना तो अंदर में जो माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर लिखें 3x + 12 और = 0 = 0। ठीक है, अब देखिए जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है, तो यहाँ पे जो x² है ना, तो x² का मतलब कि x × x है, ठीक है, और 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2, ठीक है, तो इसमें से भी 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर 2 बाहर निकालने का मतलब कि 2x² में, देखिए यहाँ पर 2x² है ना, इसमें जब 2 बाहर निकालेगा तो 2 बाहर निकालने का मतलब भाग 2 से दे दीजिए, और एक हुआ 2 कट गया, तो यहाँ पर जब 2 बाहर निकालेगा तो उसी तरह क्या बचेगा, x² बचा ना, तो ये आपका x² बच गया। ठीक है, उससे देखिए प्लस है तो प्लस, और 8x में भी 2 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना, 4, क्योंकि देखिए 8x है तो 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा ना, तो यहाँ पर 4 और ये है तो x, यही हुआ 2 से कॉमन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस, उसी तरह यहाँ पर जब 3 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, और 12 में 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 4, तो ये हुआ 4 = 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देखिए 2 बाहर निकाले थे ना, तो यहाँ से 2x बाहर निकालना था, ठीक है, तो मतलब यहाँ से 2 तो बाहर पहले से बाहर है, और इसमें से भी x बाहर निकाल लीजिए, तो ये हुआ x + 4 और -3 और ये हुआ x + 4 = 0। देखिए यहाँ से हम 2x बाहर निकाल लेते हैं ना, तो 2 बार नहीं लिखना पड़ता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ देखिए x + 4 और यहाँ पर हुआ x + 4, तो देखिए इसमें से पूरे इक्वेशन में से हम क्या करते हैं, x + 4 को बाहर निकालते हैं, यानी कॉमन करते हैं, तो x + 4 भी आपका हुआ, ये बाहर निकल गया, और जो बचता है उसको एक ब्रैकेट में, यानी 2x - 3 बचा है ना, तो यहाँ पर लिखिए ब्रैकेट लगाइए 2x - 3 = 0। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब बारी बारी से x + 4 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान निकलेगा, और द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण का कितना मान निकलता है, 2 मान निकलता है x का मान, यहाँ पर निकाल लेते हैं, देखिए x + 4 = 0 और 4 को बराबर के इधर तो क्या होगा, माइनस होगा, प्लस में तो बराबर किधर तो माइनस होगा, तो x बराबर आपका हुआ -4 और उसी तरह क्या करेंगे 2x - 3 = 0, यहाँ पर आपको जब 2x बराबर क्या होगा माइनस में 3 तो बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पर 3 और ये हुआ 2 क्या है इधर में देखिए गुणा में है, बराबर के इधर में तो भाग होगा, तो यहाँ पर लिखें 3/2, तो देखिए x का मान 2 निकला, x का मान कितना 2 निकला, x = -4 और x = 3/2, यही हुआ आपका आंसर। तो धन्यवाद, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।